हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद हरियाणा बोर्ड की तरफ से कंपार्टमेंट जुलाई 2023 की परीक्षाओं को लेकर नया नोटिस जारी कर दिया गया है। 10th क्लास और डीएलएड के एग्जाम्स जो अभी होने वाले थे उनको लेकर नया नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इन एग्ज़ाम्स को अब आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। कौन कौन सी तारीखों के एग्ज़ाम्स को आगे पोस्टपोन किया गया है, ये एग्ज़ाम्स कब होंगे, अब आगे क्या होगा क्या नहीं, इन सब बातों के ऊपर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी एक क्लास 10th और डीएलएड के स्टूडेंट हैं या फिर उनके पेरेंट्स हैं तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि अब आपका एग्ज़ाम कब होगा कैसे होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 26 जुलाई, हाँ जी आपने सही सुना, 26 जुलाई से हरियाणा बोर्ड की 10वीं 12वीं और डीएलएड के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए। सबसे पहले 26 जुलाई को 12वीं कक्षा का एग्ज़ाम था जो कि एक दिवसीय परीक्षा थी, उसके बाद आगे एग्जाम्स बढ़ रहे थे। लेकिन 31 तारीख को हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को देखते हुए 1 और 2 अगस्त के जो एग्ज़ाम्स थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पर हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और डीएलएड के 5 अगस्त तक के जो एग्ज़ाम्स थे उनको पोस्टपोन कर दिया है। तो ये एक नई खबर आ गई है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट 21 मिनट पहले ये रिपोर्ट आई है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएँ स्थगित, 10वीं और डीएलएड के एग्ज़ाम 5 अगस्त तक टले, नूह में हुई हिंसा के चलते फैसला, नई तारीखों का ऐलान बोर्ड जल्दी ही करेगा। तो ये तो हो गई दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। अब मैं हरियाणा बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है उसके ऊपर हम आपको ले चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो 2 नोटिस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर समझने में गलती हो गई तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले एक नोटिस आया था, पब्लिक नोटिस सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी डीएलएड एग्ज़ाम डेट 1 और 2 अगस्त, यानी कि पहले 1 और 2 अगस्त की जो परीक्षाएँ थी उनको पोस्टपोन किया गया था, उनको आगे सरकाया गया था। लेकिन अब एक नया नोटिस आया है, ऊपर देखेंगे आप, पब्लिक नोटिस कॉजेज ऑफ रायट सेकेंडरी डीएलएड एग्ज़ाम जुलाई 2023 हैज़ बीन पोस्टपोन। तो ये नया नोटिस है, इसमें ही पहले आपके 1 और 2 अगस्त तक के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे लेकिन अब 5 अगस्त तक के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। चलिए इसको डाउनलोड करके आपको पढ़ के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने नोटिस को डाउनलोड किया है और अब ये जो नोटिस है इसको हम यहाँ पर ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हरियाणा बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस, डेट देख लीजिए, 2 तारीख को शाम को ये नोटिस आया है, अभी 21 मिनट पहले। सार्वजनिक सूचना यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जाने वाली सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास एवं डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएँ जो कि यहाँ पर चल रही थी जुलाई के अंदर, हरियाणा प्रदेश के नूह जिले में हुई हिंसक घटना के मद्देनज़र दिनांक 1 और 2 अगस्त की परीक्षाएं स्थगित की गई थी। लेकिन अब ये परीक्षाएं दिनांक 5-8 यानी कि 5 अगस्त तक पूरे प्रदेश भर में। एक बात और यहां पर जो है स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करती है कि ये सिर्फ कुछ ही ज़िलों में हुई है या पूरे हरियाणा में, तो देख लीजिए पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे हरियाणा की बात हो रही है। पूरे हरियाणा में अब जो है 5 अगस्त तक परीक्षाएँ स्थगित कर दी गई हैं। आगे देखिए, सेकेंडरी व डीएलएड की स्थगित परीक्षाओं की नई तिथियां जो है जल्दी ही यहां पर सूचित कर दिया जाएगा उनके बारे में। डीएलएड की परीक्षाएं दिनांक 7-8 यानी कि 7 अगस्त से आगे की जो परीक्षाएं हैं वो जैसे आपकी पहले बताई गई थी वैसे ही होंगी। यानी कि यहां पर आप समझिए बात को, 10वीं क्लास की 5 तारीख तक की जो परीक्षाएँ थी अब वो पोस्टपोन कर दी गई हैं। वहीं मैं बात करूँ डीएलएड की तो 5 अगस्त तक की उनकी भी परीक्षाएँ पोस्टपोन कर दी गई हैं, लेकिन 7 अगस्त के आसपास जो आगे परीक्षाएँ होंगी वो वैसे ही होंगी। समझ पा रहे हो, यानी कि स्थिति जब कंट्रोल में आ जाएगी तो 7 अगस्त के आसपास ये यहाँ पर जो है अंदाजन आपकी वैसे ही होंगी सारी परीक्षाएं। लेकिन 5 अगस्त तक की जो परीक्षाएं हैं वो पोस्टपोन हुई हैं, जैसे 10वीं की हिंदी इंग्लिश और भी जो एग्ज़ाम्स होंगे, ऐसे डीएलएड के एग्ज़ाम होंगे 1 से 5 अगस्त के बीच में, तो ये सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं। तो देखा आपने, हरियाणा बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है कि आपके एग्ज़ाम्स जो है 1 से 5 अगस्त के बीच में जितने भी एग्ज़ाम्स थे, चाहे वो 10वीं के हों चाहे डीएलएड के, 1 से 5 अगस्त के बीच वाले, वो सारे पोस्टपोन हुए हैं। अब वो एग्ज़ाम्स कब होंगे इसके ऊपर बात करते हैं। तो हरियाणा बोर्ड ने कहा है कि जैसे स्थिति नियंत्रण में आएगी वैसे ही इन एग्ज़ाम्स की नई डेट्स घोषित कर दी जाएंगी जो कि हम आपको बता देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी। बात करें अप्रोक्सीमेटली कब तक हो सकती हैं, तो यहाँ पर देखिए यार, आपको पता है अभी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर धाराएं लगाई हुई हैं, इसके अलावा कहीं कहीं जगह पर अभी भी जो है थोड़ा मोड़ा चल रहा है, मतलब आप समझ सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो है 1 वीक का टाइम तो लग ही सकता है। तो आई होप जैसा ही नेक्स्ट वीक आएगा उसके अंदर यहाँ पर ये एग्ज़ाम्स जो है कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो जैसे ही नई तारीखें आएँगी आप सबको बता दिया जाएगा, तब तक आप लोग वेट कीजिए,
तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप हरियाणा के किस ज़िले से हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।